ओम शांति। यहां तो पूरा संगम युग ही हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, पर इस वर्ष के लिए बाबा ने इसको नाम दे दिया है समाप्ति वर्ष। तो हम सभी अपने पुरुषार्थ को समाप्त करने का लक्ष्य बना लें। जो कुछ हम करना चाहते हैं, जो बाबा से प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं, उसको सच्चे दिल से पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लें। क्योंकि समय को बाबा ने पुनः वरदान दे दिया है। मैं आप सभी को याद दिला दूं कि जो बच्चे सच्चे दिल से पुरुषार्थ करेंगे, बाप का वरदान उनके साथ होगा। इस बात को रोज याद कर लेना है, तो बाबा की बेहद मदद से हमारा पुरुषार्थ बहुत ही सुंदर हो जाएगा। हम मुरली का भी रस लें, अमृत वेले का भी रस लें, आज सारा दिन उसी वरदान को हम स्मृति में रखेंगे जो कल हमने बाप दादा से प्राप्त किया है। और अब और आज कल के फ्लो को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा ना हो कि कल जो हमने प्राप्त किया रात तक वो सब वहीं पूर्ण हो जाए। उसको हमें कंटिन्यू करना होता है, अंतर्मुखी होकर उसे अपने अंदर समा लेना होता है। तो आज सारा दिन बाबा को शुक्रिया करते रहेंगे, आपने मुझे क्या क्या दिया है। और ऊंची स्टेज पर स्थित होकर संसार को सकाश देंगे। बहुत ही सुंदर स्थिति है ये। जैसे सूरज बहुत ऊंचा है तो उसका प्रकाश, उसकी हीट, उसकी एनर्जी नीचे पूरे संसार में फैलती है। हम भी ऊंचे रहेंगे, श्रेष्ठ स्वमान में भी रहेंगे और परम धाम में बाबा के साथ भी रहेंगे और वहां बैठकर संसार को वाइब्रेशंस देंगे। अभ्यास करेंगे आज सारा दिन और इसको अपनी नेचर बना देंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य होगा, इससे पापों का बोझ हल्का होगा, पापों का इफेक्ट हल्का हो जाएगा। परम धाम में ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान हमारे प्राणेश्वर हैं, उसके नीचे मैं चमकती हुई ज्योति हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। एक एक मिनट भी हम ये अभ्यास करेंगे। मैं पूर्वज हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ। कभी ईश्वमान से तो कभी मैं पवित्रता का सूर्य हूँ और इस प्रकृति का मालिक हूँ। ईश्वमान से कभी मैं मास्टर दुखहरता सुख करता हूँ। ईश्वमान से संसार को हम ऊंची स्थिति में स्थित होकर सुंदर वाइब्रेशंस देते रहेंगे। इससे संसार का कल्याण होगा, सृष्टि का वातावरण बदलेगा, अनेक आत्माओं में छुपी हुई प्योरिटी जागृत होगी, उनके दुख और विघ्न समाप्त होंगे। लेकिन ये वही कर सकेंगे जो स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे, जिन्होंने पवित्रता से संबंधित युद्ध को समाप्त कर लिया होगा, जो इस संसार की व्यर्थ इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहे होंगे। सच तो यही है, जिन्हें संसार से कुछ भी नहीं चाहिए वही महान योगी बन सकते हैं, जिसको बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे सन्यासी बन जाओ। तो आइए आज सारा दिन हम श्रेष्ठ स्मृति में स्थित रहकर परम धाम में बाबा के साथ बैठकर सारे संसार को ये सुंदर वाइब्रेशंस देते रहें। ओम शांति।